गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। आज उन्हें एक्सीडेंट हो चलो एक्सीडेंट होने से बच गया। अभी अब इतना बड़ा एक्सीडेंट होता, गली से एक साइकिल वाला निकल रहा था और स्कूल गाड़ी में जा रहा था बच्चे। ओह माय गॉड। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और अभी गर्म पानी खाना है, पानी से शुरू कर देते हैं। तो चलिए पानी बना लेती हूँ और मैं आप लोगों को ब्रश करना नहीं दिखाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी गर्म पानी बिठा देती हूँ और मैं फ्रेश हो गई हूँ सुबह सुबह। बाल को भी कंघी कर लिया है क्योंकि बहुत ही ऐसा हो गया था। तो मुझे कुछ सजेशन कीजिए कि बालों में क्या लगाऊँ जिससे बाल एकदम धीमी पड़े, ऐसा ना हो जाए। तो चलिए तो खाबो एकटू चा, मैं तो पीऊंगी थोड़ा ग्रीन टी क्योंकि मुझे ग्रीन टी से बिस्किट खाके काम पे लगना है। तो चलिए पानी गर्म करके फिर मिलती हूँ। पानी गर्म करके मिलती हूँ क्या, पानी गर्म ही हो चुका है। और गर्म होगा, आई तो अंडा उबाल के दूंगी और क्या। चलिए पैर को थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। कल भी दो तीन ठो पैर खरीद के लेके आई हूँ, वो बेली फूल का, उसको लगाना है। और आज तो खाना नहीं पकाना है, खाना बहुत सारा है वही खाना है। और सोच रही हूँ वो कल आप लोगों के साथ शेयर कर। तो आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी, कल मैं ये बैग लेके आई हूँ, ये बैग खरीदा कैसा हुआ बोलिए। हाँ सेल में हमारे जो नए साल आ रहा है ना, बंगाली रिचुअल्स में, तो उसमें सेल बैठता है तो 100 रुपीस लिया है। अच्छा ही है, थोड़ा बहुत एसेस है तो अच्छा ही है। इस बैग का ना मुझे बहुत ही ज़रूरत था, बहुत ही ज़रूरत थी क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहे थे ना आप लोग, अभी जब भी बैग लेके जा रही थी। अच्छा है तो चलिए। और हमारे नए साल में बहुत सारे कपड़ा, बिस्तर का चादर सब खरीदना पड़ता है, लेकिन इस साल अदिति के पापा अभी तक कुछ पैसा वैसा नहीं दिया है। और अदिति को मैंने पूछा कि तेरा पापा तुझे कुछ दिया है कि नहीं, तो उसने बोला नहीं मम्मी मुझे भी कुछ नहीं दिया है खरीदने के लिए। और अदिति तो नहीं आएगा,
आएगी, तो उसका वो हर साल वो रहता है, तो फिर उसके साथ ही मैं बाज़ार जाती हूँ, मैं सब खरीदती हूँ। तो इस साल तो नहीं आएगा क्योंकि दूसरे दिन ही उसका जो बैसाख मास होता है, तो उसके अगले दिन ही उसका परीक्षा है, परीक्षा शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैं भी नहीं जा सकती और वो भी नहीं आ सकती। तो चलिए, अभी मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है, देखती हूँ। और ब्रश हो गया पानी, चलिए पानी पीते पीते थोड़ा ग्रीन टी भी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ चाय के टाइम मिलती हूँ। और ज़रूर क्या करूँगी वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो साथ बने रहिए। और तो कल जो रेसिपी मैंने बनाया था वो तो नहीं दिया है, तो आज रेसिपी देख लीजिए, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी के लिए रखती हूँ। चलिए चाय पी लेती हूँ और बंगाली ब्लॉग एडिटिंग करके अभी सेब में बैठाया है, उसका लिखाई है हिंदी में लिखाई है, सब फिर से 11:30 में ही ब्लॉग छोड़ी थी, तो ऐसे ही करूँगी। और वाला बिस्किट ना पानी से बहुत अच्छा लगता है, मालूम नहीं क्यों। से हुआ एक बार एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर। क्या बताऊँ कितना मुसीबत है, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए वो वाला जो गली है और हमारे जो ये सामने वाला रास्ता है, इधर से कोई जाता है तो गली से जो निकलता है वो धीरे नहीं निकलता है और दिखाई नहीं पड़ता तो लग जाता है, क्या मुसीबत है, अच्छा नहीं लगता। और देखिए मैं यहाँ से बैठ के इतना सुंदर नज़ारा देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा। चलिए पेड़ों में पानी देना है, उसका देखभाल करना है, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि मेरे गार्डन का थोड़ा सा लुक चेंज किया जाए, तो चलिए आप लोग साथ बने रहिए, मैं थोड़ा सा लुक चेंज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो पौधा इससे उठेगा तो उसको इधर दूंगी, तो चलिए मैं देख के आती हूँ दोस्तों।
तो मैं कल बाजार से लेके आई थी ए वाला प्लेट, इसके अंदर रखूँगी। और आपको भी सजेस्ट करती हूँ, जो आप पौधा रखेंगे तो उसके गमले के नीचे ऐसा वाला प्लेट रखना ज़रूरत है, तो ऐसा वाला प्लेट आप खरीद सकते हैं। तो चलिए, मेरा जो ये प्लांट है ये इधर उठने की कोशिश कर रहा है, तो इसको मैं इधर लगा देती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा मिनी ब्लॉग? तो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब करते रहना चैनल, और ज़रूर ज़रूर मेरा साथ बने रहिए ऐसा नई नई ब्लॉग देखने के लिए। टाटा बाय बाय। तो आ गई हूँ बालकनी में, मैं फ़ोन कहाँ रखूँ यही सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब होते जा रहा है। तो मेरा फ़ोन ऐसे पेस में है, इस यहाँ से गिरेगा तो बस काम ख़त्म। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बागान को ऑर्गेनाइज करूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। और क्या बताऊँ, सच में अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा ही फुल था, फिर इसको अच्छे से बना के मैंने इतना अच्छा किया है। चलिए थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये वाला जो पेड़ है ना, इसका बाय ये इसको पकड़ के उठ सके तो इसलिए इसको इधर दे दिया। लेकिन इसको ना गमले में थोड़ा धूप भी आना चाहिए, तो इसको ऐसे करके दिया और इसको रस्सी से बांधना है। हाँ, तो चलिए ये सब जहाँ जहाँ रहना चाहते हैं जो पेड़, उसको वहाँ रख के फिर मैं आती हूँ। ठीक है, तो चलिए करके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा काम जो मैं करना चाहती थी आज, तो चलिए वो करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो तुलसी है, तुलसी माता जी, उनको और भी ज़्यादा करने का सोच रही हूँ। तो चलिए अभी तुलसी माता के पास जाती हूँ और तुलसी माता के लिए क्या क्या करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सब बने रहें। तो कल मैं दो बाल्टी मिट्टी लेके आएगी, तो उसी में आज कुछ पौधा लगाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, ये जो है मंजूरी, ठीक है ना, इसको ये तो टपेले वाला बाटी रखी। तो देखिए, ये जो मंजूरी है इसको अभी इस टप में देना है। तो चलिए करके आती हूँ।
इस मम्मी यहाँ पर लगा रही है पैर और हाँ किसका पैर किसका पैर सबका पैर हमारा पैर तुम वहाँ पर रखोगे या वो कोई सेंस है क्या कोई बात नहीं तो मम्मी ने ये देखे ये वाला तीन दिन आ गए ही मम्मी ने साफ सफाई की थी तो ये जो तुलसी का दाना मम्मी दे रही है तुलसी का दाना कैन इट्स ग्रो गाइस आपको अगर इसको जल्दी करो तो मैं तो ऐसे बोलना पड़ेगा उग जा पेड़ आपको किस किस को ये गाना याद है मम्मी को याद है मम्मी हाँ उग जा पेड़ गाइस मैंने कॉमेडी किया है और मम्मी गुस्सा हो गई ये कैसा बात हुआ अगर मैं किसी के सामने अगर कॉमेडी करूँगा तो गुस्सा होगा क्या ना हंसेगा मतलब मम्मी तो उसको ऑपोजिट कर रही है मम्मी डीजे बना रही है डीजे तो चार ठोट अप में दे दिया है तुलसी का पौधा का जो मंजूरी और जो देखिए दोस्तों कितना दिन हुआ बोल दो चार एक हफ्ता भी नहीं हुआ हाँ तीन दिन ही ठीक हो रही थी मम्मी का तो गाइस आज का मौसम अच्छा है पर मुझे कहीं जाना है पापा ने मुझे बुलाया है पापा ने बुलाया आपको नहीं पता मम्मी आपको नहीं पता मम्मी मैं कचरा हूँ सुबह कर रहा है मैं वो नहीं बोला मैं सोचा कि आप बोलोगे फिर मैं दिखाऊंगा तो गाइस आप कचरा देखने के लिए रेडी हो देखो ये तो गाइस ये हम लोगों का मतलब छत का हालत क्या ही कहे पैर के नीचे क्या होगा तो कुछ नहीं मेरे पैर के नीचे क्या बताऊं दोस्तों दिमाग इतना मन इतना खराब होता है ना और पर गुस्सा कहीं निकल जाता है हट्टा कट्टा पुलिस गुला আছে ওইগুলো কি ওদের কে কি বলতে হচ্ছে না ফ্যাক্টরিটা বন্ধ করে দিতে আমরা এগুলো তো করাই যায় না কেন পুলিশ গুলোকে কমপ্লেইন করেছে ওরা কিছু করছে না কেন ভাই দ্য পুলিশ ইজ ইডেন্ট টেক এনি অ্যাকশন অফ দিস কাইন্ড অফ জোকস দ্যাট আওয়ার হাউস এন্ড আওয়ার ইনহুমেন problem is increasing guys ajay tulsi gulo besh kore pata besh ami gokale jene je rakhlam mongri eta dibi eta ar ei gulo pata gulo ekhon boshe boshe chhara to chaliye ei patte ko utar ke rakhti hu aur isko dhoke acche se sukha ke fridge mein rakh dungi काटी लागू नहीं तो छोड़ दीजिए तो गाइस मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर जो पत्ते खराब हो गए हैं या मुरझा गए हैं उसे बोले गाछे खोती हो घास गुलो फला भी चाहिए जे गोड़ा थे के गोड़ा कोथाय गोड़ा ना उठा दो गोड़ा है देखो गोड़ा टा कोथाय कोथा दे टानलो সব খারাপ পাতাগুলো বড় পাতা না নিচে ছোট ছোট খারাপ পাতাগুলো চলে বড় পাতা কাটবি না হ্যাঁ আবার সেই টানবে কাঁচিটা দিলাম কিসের জন্য यहाँ पर देखे गाइस तो मैंने काट लिया और इसको भी मैंने इसको हाँ तो ठीक है मैं क्या करूँ इसको भी काटने चल मम्मी लोग देखते हैं तो दोस्तों आदित्य ने इस पैर को सब सफाई कर दिया है और अभी मैं इधर ऐसे करके रखा है सब पेड़ों को अभी देखती हूँ इधर दरवाजे के सामने से खाली कर दिया है फेसेस क्योंकि मुझे यह रखना है बेल फूल का पौधा सेंड वाला
तो चलिए और थोड़ा सा है उसको करके आती हूँ। तो दोस्तों अभी पेड़ों के जड़ों में पूरा मिट्टी जरूरत है, इसलिए दे रही हूँ। जिस गमले में क्या बोलते मिट्टी तो दोस्तों हो गया है आज सब सफाई। यार ये देखिए थोड़ा झाड़ू दे रही हूँ। तो चलिए आज तो आपको दिखा दिया है कैसा करके मैं पेड़ों को सब सफाई किया है, और थोड़ा सा मिट्टी देना है किसी किसी पेड़ों में, बाद में दे दूँगी फिर आती हूँ। तो नीचे आ गई हूँ अभी कपड़े को। चलिए थोड़ा बाहर आपको दिखा देती हूँ। जो कल पेड़ लेके आई थी ये वाला, ये सब कुछ इस तरफ देना है, फिर इसको करके मैं आती हूँ। तो दोस्तों देखिए जो बेल फूल का पौधा था उसे मैं यहाँ पर दे दिया, और काल परसू देखते फिर दूसरा पेड़ लेके आऊँगी तो ऊपर लगाऊँगी। ठीक है, तो हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग अभी यहीं पर रखती हूँ। से पेड़ों का देखभाल किया है तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए और ब्लॉग नहीं बढ़ाती हूँ, आज का ब्लॉग यहीं पर रखती हूँ। टाटा बाय बाय, सब अच्छे से रहिए, सबका अच्छे से रखिए। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ और एक नई ब्लॉग लेके। टाटा। और एक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ये वाला जो फूल है इस साल पहला खिला है गंधराज। ओह कितना सुगंध आ रहा है आपको क्या बताओ। चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और ये वाला जो हार्ट साइन है इसका भी फूल हो रहा है।